बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बकरा ईद की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, हरी मिर्च बीफ कीमा। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनता है और बहुत ही गज़ाई से भरपूर रेसिपी है। बस आपने इसको मैं तरीके के मुताबिक फॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये हरी मिर्च बीफ कीमा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्जी क्वान्टिटी में चाहें बहुत आसानी के साथ इसको घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर हाफ कप ऑयल आपने ऐड कर देना है। मैंने मस्टर्ड ऑयल इसके अंदर ऐड किया, मस्टर्ड ऑयल से ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, मीडियम गर्म हो जाए, तो फिर आपने इसके अंदर 250 ग्राम मैंने प्याज लिया, उसको लच्छेदार मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह ऑयल के साथ आपने एक दफ़ा मिक्स कर देना है ताकि तमाम प्याज ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, यकजान हो जाएं। और इसको आपने यहाँ तक गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है, मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसका कलर देना है। ज़्यादा आपने आंच को तेज़ नहीं करना। जब बहुत ही प्यारा सारा इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तो फिर आपने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बीफ कीमा मैंने लिया है 1 किलो और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके थोड़ा सा ड्राई कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह जो लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज और ऑयल जो हमने ऐड किया उसके साथ अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है ताकि तमाम चीज़ें कीमे के साथ अच्छी तरह यकजान हो जाएं। आपने कीमे को यहाँ तक इसको आपने भूनना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए। जैसे जैसे आप इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर भूनेंगे तो इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा। फिर इसके अंदर 1 गिलास पानी आपने ऐड कर देना है। ये फ्रीज कीमा था इसलिए इसके लिए अंदर पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने 1 गिलास पानी इसके अंदर ऐड किया है। अगर आपका फ्रेश कीमा हो तो उसके अंदर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपका पानी ही छोड़ देते हैं। तो आपने 1 गिलास पानी इसके अंदर ऐड करके अभी आपने इसको 10 से 12 मिनट आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको अच्छी तरह भून लेना है ताकि हमारा कीमा अच्छी तरह कुक हो सके और अच्छी तरह ये गल जाए। फिर आपने इसी जो आपने पानी ऐड किया था इसी पानी के साथ ही आपने इसको कुक करना है ताकि इसी पानी के साथ ये कीमा हमारा अच्छी तरह गल जाए और थोड़ा पानी ये कीमा भी छोड़ेगा तो साथ ही इसी पानी के साथ ये अच्छी तरह कीमा हमारा कुक हो जाएगा और गल जाएगा। फिर इसके अंदर 2 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्च का पेस्ट वो आपने ऐड कर देना है। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। नमक मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्च और नमक ऐड करने के बाद अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि सब्ज़ मिर्च का टेस्ट जायका इसके अंदर ऐड हो सके और साथ साथ आपने इसको थोड़ा सा भूनते रहना है। फिर आपने इसको यहाँ तक भूनना है कि ये आपने जो ऑयल है वो सेपरेट करना शुरू हो जाए, यानी इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाए। तो जैसे इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाएगा तो फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून आपने गरम मसाला वो ऐड कर देना है। गरम मसाले की रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। गरम मसाला ऐड करने के बाद आपने फ्लेम को बंद कर देना और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि गरम मसाले का जायका खुशबू और टेस्ट इसके अंदर ऐड हो सके। बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है, इसने अपना ऑयल भी छोड़ दिया हुआ था तो बस हमारी ये बिल्कुल रेडी है। फिर ग्रीन चिली आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है 5 से 6 पीसेस और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि ग्रीन चिली का जो फ्लेवर है और इसकी खुशबू है वो इसके अंदर ऐड हो सके। और ये हमारी ग्रीन चिली बीफ कीमा बिल्कुल रेडी है। सब्ज़ मिर्च का
बीफ कीमा हमने बिल्कुल रेडी कर लिया, अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनी है, देख लें, इसका लुक भी बहुत ज़बरदस्त आया है और जायका खुशबू बहुत ही कमाल का है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन का बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार मोहब्बत खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी मोहम्मद इरफान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।